एनडीए की ओर से उपराष्ट्रपति पद के लिए जगदीप धनखड़ ने नामांकन पत्र दाखिल किया है, जिसे लेकर हरियाणा के नूह जिले में भी खुशी का माहौल है। इस दौरान बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन ने मिठाइयां बांटकर जश्न मनाया है। देखिए रिपोर्ट। उपराष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की ओर से पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ को उम्मीदवार बनाया गया है, जिसे लेकर नूह में जश्न मनाया गया। जश्न में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक चौधरी जाकिर हुसैन शामिल हुए, जिन्होंने नूह निवास पर कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर जश्न मनाया, एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशियां मनाई। साथ ही जगदीप धनखड़ को नूह क्षेत्र की 36 बिरादरी की तरफ से मुबारकबाद और शुभकामनाएं दी। धनखड़ साहब का राजस्थान से नहीं, राजस्थान की और हरियाणा और सभी जगह की मेवाड़ से बहुत गहरा नाता है और वो राजनीति में और सामाजिक जीवन में उनकी अपनी पहचान है और मेवाड़ क्षेत्र के दिग्गज नेता मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब के बहुत घनिष्ठ मित्रों में ही नहीं बल्कि वो परिवार के बड़े सदस्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। चौधरी जाकिर हुसैन ने कहा कि जगदीप धनखड़ को एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित किए जाने पर हर जगह खुशी का माहौल है। साथ ही जाकिर हुसैन ने जगदीप धनखड़ को एनडीए की ओर से सम्मान देने पर पीएम मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आभार जताया। मेवात क्षेत्र के दिग्गज नेता मरहूम चौधरी तैयब हुसैन साहब के बहुत घनिष्ठ मित्रों में ही नहीं बल्कि वो परिवार के बड़े सदस्य के रूप में उन्हें जाना जाता है। हम इसलिए निजी तौर पे भी और मेवात क्षेत्र की तरफ से परम आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ साहब को इस पद पे नामित किए जाने के लिए मुबारकबाद देते हैं, अपनी शुभकामनाएं देते हैं। इस मौके पर चौधरी जाकिर हुसैन की धर्मपत्नी श्रीमती नसीमा हुसैन, उनकी सपुत्री तस्नीम हुसैन, सरपंच मोहम्मद खान के अलावा सैकड़ों बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे और जमकर जश्न मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।